students, I am the teacher of Pandeshwar Modern School of Class 5. Today I am about to teach you science lesson 3. In our last science class, I was teaching you about safety. Today I am going to teach you about first aid. First aid is the medical help given to an injured person before a doctor arrives. First aid एक medical help है जो एक घायल व्यक्ति को doctor के पास ले जाने से पहले दिया जाता है, ठीक है. In case of an accident or emergency, first of all you should be calm and then disperse द क्राउड अराउंड ही मोरहर. सबसे पहले हम लोग को क्या एक्सीडेंट होने पर क्या करना है, वहाँ पर शांति बनाए रखना है और उसके चारों तरफ जो भीड़ जमा होता है उस क्राउड को दूर करना है, ठीक है, भीड़ को दूर करना है. फर्स्ट एड कैन गिव ए रिलीफ टू द पेशेंट इन माइनर इंजरीज, कट और बंस. फर्स्ट एड साधारण तो दिया जा सकता है किसी छोटा मोटा चोट लगने पर, इंजरी होने पर, कट जाने पर और जल जाने पर, ठीक है. इन केस ऑफ ए सीवियर एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट, यू शुड कॉल ए डॉक्टर और टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. जब चोट ज़्यादा गहरा हो, एक्सीडेंट ज़्यादा गहरा मतलब बुरी तरह से घायल हो व्यक्ति, तब क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे और उस पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, ठीक है, एडमिट करेंगे. फर्स्ट एड कैन बी गिवन इन केस ऑफ कट्स एंड स्क्रैच, बर्न्स, स्प्रेन, नोज ब्लडिंग एंड स्क्रैच. फर्स्ट एड दिया जा सकता है साधारणतः कट जाने पर, खरोच आ जाने पर, स्क्रैच खरोच आ जाने पर, बर्न जल जाने पर, स्प्रेन मोच आ जाने पर, नोज ब्लडिंग नाक से खून बहने पर और फ्रैक्चर के लिए, ठीक है. फर्स्ट एड फॉर कट्स और स्क्रैच. फर्स्ट एड कट और कट जाने पर और स्क्रैच आ जाने खरोच आ जाने पर हम लोग को किस तरह से फर्स्ट एड करना चाहिए, यहाँ पर दिया है, ठीक है. इन केस ऑफ कट्स और स्क्रैच, फर्स्ट वॉश द वुंड क्लीन वाटर, क्लीन द ब्लड विथ कॉटन वूल सोक इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. फर्स्ट में क्या करना है, उस घाव को अच्छा से धोना है साफ पानी से, हाँ, उसके बाद उस वहाँ पर कॉटन से खून को साफ करना है और उसके बाद एक लोशन लगाना है, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है. प्रेस जब कट जाता है तब क्या करना है, प्रेस द वुंड विथ सेटेराइल कॉटन टू स्टॉप ब्लडिंग. जब कट जाए जगह तो उसमें वहाँ पर एक सेटेराइल कॉटन से उसको दाब के रखना है जिससे खून ना बहे. आफ्टर द ब्लड फ्लो स्टॉप, जब ब्लड गिरना रुक जाए, निकलना रुक जाए, तब क्या करना है, पुट सम एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द वुंड. उस घाव पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है, देन रैप ए कॉटन बैंडेज अराउंड द वुंड. तो उस घाव उसके बाद उस घाव के चारों तरफ बैंडेज कर देना है इस तरह से, ठीक है. If the person fall on the dirty road or gets cut with a rusted iron object, he or she should take an anti-tetanus injection. This is because it darts and germs enter into the blood. It may cause a disease called tetanus. अगर कोई व्यक्ति कोई गंदा जगह में रास्ते पे गिर जाए और किसी मतलब पुराने लोहे से कट जाए तो उससे पहले उसको क्या देना चाहिए, पहले एंटी टिटनेस का इंजेक्शन देना चाहिए, नहीं तो उससे टिटनेस की बीमारी हो सकती है, ठीक है. फर्स्ट एड फॉर बर्न, जल जाने पर कैसे फर्स्ट एड किया जाता है, माइनर बर्न्स मतलब छोटा मोटा जल जाने पर. इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, फर्स्ट अप्लाई आइस और कोल्ड वाटर और रनिंग वाटर फ्रॉम द टेप ऑन द बर्न एरिया. फर्स्ट में क्या करना है, बर्फ लगाना है और रनिंग वाटर में जहाँ पर जल जाए वहाँ पर रनिंग वाटर में अपना हाथ या कहीं भी जल जाता है उसको रनिंग वाटर में वहाँ पर रख देना है, तो पानी गिरा मतलब उसमें पानी डालते रहना है, ठीक है, जले हुए पे. वंस द बर्निंग सेंसेशंस सब्सिसाइड, अप्लाई एंड एंटीसेप्टिक क्रीम टू अबाउट द इन्फेक्शन से दूर बचने के लिए क्या करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन वहाँ पर लगाना है, ठीक है. ए पेस्ट ऑफ ए बेकिंग सोडा एंड वाटर कैन भी अप्लाई, बेकिंग सोडा का पेस्ट भी आप लगा सकते हैं और वाटर अप्लाई भी कर सकते हैं. सीवियर बर्न, जब मतलब ज़्यादा जल जाए, हाँ, ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा पूरी तरह से जल जाए, बुरी हालत में हो, तो क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स, फर्स्ट मेक द पेशेंट ले डाउन ऑन ए क्लीन बेडशीट, टेक पेशेंट टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल. सब इमीडिएटली उसको क्या करना है, एक साफ सुथरा चादर में सुला देना है और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द लेके जाना है, ठीक है. समटाइम ब्लिस्टर अपियर ऑन द बर्नट एरिया, तो समटाइम क्या ब्लिस्टर अपियर हो जाता है बर्नट एरिया में, तो डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर को वहाँ से नहीं उठाना चाहिए, ठीक है. जम्स इंटर थ्रो द ब्लिस्टर, जम्स अंदर जा सकता है ब्लिस्टर के द्वारा, ठीक है. काउस इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, काउस इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है.
कवर द बर्न्ड एरिया विथ ए क्लीन पीस ऑफ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। उस एरिया को कवर करना है साफ़ सुथरा कॉटन या कपड़े से, साफ सुथरा कपड़े से, जिससे जर्म्स उस मतलब गंदगी उस एरिया में नहीं जाए, जले हुए जगह में नहीं जाए। इन ए क्लीन पीस ऑफ ए क्लॉथ डिस्पेट इन द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ का एक छोटा टुकड़ा मतलब सॉल्यूशन हो सकता है बेकिंग सोडा का, कैन बी यूज ए वेट कंप्रेस, ये वेट कंप्रेस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आवर टूडेज क्लास इन फ्रॉम हेयर, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोज़। थैंक यू।